This conference will now be recorded. मध्य मंगलवार से रहा अथवा भौमवार से रहा पौष शुद्ध षष्ठी दिनांक 19 जानेवारी 2021 चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 पोष्य शाखा दी गति शंखं चक्रं च लौकान् दधतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तन् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निवीलं प्रौढदावाग्निवीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयार्थेषु पूजिताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षनीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् व्यायामादुष्मणस्तैक्ष्यात् हितस्य अनवचारणा कोष्ठात् शाखा मलान् याति धृतत्वान् मारुतस्य च तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते कदाचिन्न समीरित्याः नादेशकाले कुप्यन्ति भूय हेतु प्रतीक्षिणः तर्हि कोष्ठात् शाखाः मला कथं यान्ति कैः कारणैः यान्ति एवं तत्र विकारं कया पद्धत्या ते कुर्वते इत्येतद्विषये नर्तकाराः ब्रूते व्यायामात् इत्यादि व्यायामात् ऊष्मणः तैक्ष्ण्यात् हितस्य अनवचारणात् एवं मारुतस्य धृतत्वात् दोष मलाः कोष्ठात् शाखाः यान्ति इति तत्र अन्वयार्थः तो व्यायाम से ऊष्मा के तैक्ष्ण्य से हित के अनवचारण से अहित सेवन से या हित के अनवचारण यानी कि हित नहीं करना अहित करना ही ऐसा ही लेकिन जो अगर हित नहीं है वो अहित इस प्रकार का हो जाएगा और दुतत्वात् मारुतस्य और वायु के द्रुतत्व के कारण दोष कोष्ठ से लेकर शाखा में चले जाते हैं तो शाखा यहाँ एक उपलक्षण ले लेना चाहिए सिर्फ शाखाओं में नहीं जाते अपनी जो मध्यम रोग मार्ग है उसमें भी दोष इस प्रकार से चले जाते तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते कदाचित् न समीरिताः कदाचित् न समीरिताः एताः जिनको प्रेरणा नहीं मिली है आगे की वो वहीं पे रुक जाते हैं न आदेश काले कुप्यन्ति आदेश या अकाल इसमें उनका प्रकोप नहीं होता वो हेतु प्रतीक्षा जो फिर से हेतुओं की अपेक्षा करने वाले हेतु की प्रतीक्षा करने वाले हैं वो आदेश और अकाल इनमें प्रकोपित नहीं होते वाग्भट ने ये थोड़ा अलग अलग सूत्र किए हैं और इसके बारे में पहले बहस की है और फिर बाद में कोष्ठ शाखा गति के बारे में बहस की गई है तो वहां पे व्यायामा दोषमणक सहिष्ण्यात अहिता चरणादपि ऐसा वाग्भट में है और हितस्य अनवचारणात् यहाँ पे तो अहिता चरणात् अपि अपि से हित चरण से भी दोष शाखाओं से निकल कर कोष्ठ
शाखा कोष्ठ से निकलकर शाखा बर्मा से संधि के यहाँ जाते हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। और अहिता चरणाक्षर से भी होता है, ये कहने का मतलब इसमें है। वो वास्तव में स्थिति ऐसी है कि जो भी हम खाना खाएंगे उन्हीं से दोष धातु मल ये सभी भाव बनेंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि दो ट्रेडिशंस इसमें है। एक मामा गोखले की ट्रेडिशन कहती है कि कहो कृतम मलाखेशु प्रसवेदो न करो मच, ये जो सूत्र है कि धातु ना कर्मशो मलाहा, तो रस का मल कहो और पित्त का मल पित्त, इस तरीके से कफ और पित्त की उत्पत्ति रस और रक्त के निर्माण के समय में होती है। और वायु के निर्माण के बारे में कोई संदेह नहीं है कि जो तृतीय अवस्था पाक कटु अवस्था पाक है उसमें वायु से कटु भाव होता है, वायु के निर्माण होता है, तो ये दोनों के लिए समान है। लेकिन अम्ल मधुरा अवस्था पाक में कफ की निर्मिति और अम्ल अवस्था पाक में पित्त की निर्मिति, ये जो बाकी लोगों का मत है वो मामा गोखले को मंजूर नहीं था। और उनका कहना था कि अब जब अन्न आधा पक्व या थोड़ा ही पक्व है, खास करके मधुरा अवस्था पाक में तो शुरुआत है अन्न पचन की, अम्ल अवस्था पाक में ये मध्यावस्था इस प्रकार की है, और जब पूरा खाना पक जाता है तो ही कटु अवस्था पाक होता है, तो वायु की निर्मित होने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन जबकि अभी पूरी निर्मित हुई ही नहीं है तो दोषों का निर्माण किस प्रकार से होगा, यह ऐसा उनका मंतव्य था। बाकी सब लोगों का यह कहना है कि चरक ने उसके बारे में उदीरण शब्द का प्रयोग किया है, इसके लिए मामा कपिल कहते रहते थे कि यह सिर्फ उदीरण है, ये उत्पत्ति नहीं है। लेकिन सुश्रुत का सूत्र अगर ले लेंगे तो लेष्मा संभव थी इस प्रकार का है, तो वो निर्माण होता है ऐसा उसका अर्थ हम ले सकते हैं। और वैसे वयो रात्रि मुक्तानंद मध्या रेखा कर्मा, इस सूत्र के अनुसार भोजन के तुरंत एक के बाद तुरंत बाद कफ की वृद्धि होती है, या कफ बलवान इस प्रकार का होता है, भोजन के पचने के बीच के समय में पित्त प्रबल होता है या उसकी वृद्धि होती है, अब अंत में वात प्रकोप होता है, इसमें संदेह नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए वहीं पे निर्मिति होती है, ये ज्यादा अहम इस प्रकार की बात है। अब सिर्फ आहार से ही दोष की वृद्धि होगी ऐसा नहीं है, व्यायाम वगैरह से वात की वृद्धि होती है, कफ का क्षय होता है, धूप में टहलने से पित्त की वृद्धि होती है, जागरण करने से वात और पित्त दोनों की वृद्धि होती है, वगैरह वगैरह, ऐसे विहार के बारे में कुछ उदाहरण है। लेकिन मुख्य रूप से जो दोषों का निर्माण होता है या दोषों की वृद्धि होती है वो आहार के जरिए होती रहती है, क्योंकि दोषों का भी पोषण आहार से ही होता है। तो जहां जब कोष्ठ स्थान में वो निर्माण हो जाते हैं तो सभी निज रोगों की उत्पत्ति के बारे में कोष्ठ से लेकर दोषों का प्रवास पूरे शरीर में होता रहता है, या उनका दोषों से मेलजोल हो जाता है, दोषों की समूर्छना हो जाती है और फिर और उनके निर्मित होती है। तो ये दोष प्राकृत स्थिति के लिए भी, उनके कार्य के पूरे करने के लिए भी उनको शरीर में जाना ही है, शाखा और मर्म से संधि में जाना ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ कोष्ठ में ही अपना काम करते रहेंगे। तो सकलम शरीरम आयन भूतम, विमास्तान अध्याय 5 में जो बात बताई गई है कि दोषों के लिए पूरा शरीर एक मार्ग है, आयन भूत इस प्रकार का है, तो उनको ये छोड़ के कोष्ठ को छोड़ के शाखा और मर्मास्थि संधि, ये जो मध्यम रोग मार्ग है, वहां जाना ही है। तो व्यायाम एक ऐसा हेतु बताया कि जो हित
सेवन होने के बावजूद भी दोषों को कोष्ठ से शाखाओं में लेके जाना है इस प्रकार। और ये नियमित रूप में करने के लिए बताया गया है, तो इसके जरिए दोष कोष्ठ से शाखाओं में चले जाएंगे। अब व्यायाम का मतलब, जब हम एक्सरसाइज या रियल व्यायाम करते हैं वो ही होगा, ऐसा नहीं है। शरीर आयास जनकं कर्म व्यायाम सुनिए, शरीर में जिससे भी आयास निर्माण हो सकता है वो सभी व्यायाम कहलाते हैं। आयाम और विविधों नाना व्यायाम, विविध प्रकार का आयाम जो तना इस प्रकार का शरीर होना, ये भी व्यायाम ही इस प्रकार का है। विविधा आयाम अंगाना, तो विविध प्रकार से अगर आयाम होता है अंगों का तो भी वो व्यायाम कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि जब भी हम कुछ क्रियाएं करते हैं तभी व्यायाम होता रहता है। जिसको हम अभी व्यायाम कहते हैं वो प्रयत्न पूर्वक हम उसको करवाते हैं, और कुछ उद्दिष्ट से करवाते हैं कि इससे इम्यूनिटी बढ़े, इससे मेद कम हो जाए, अग्नि बढ़े वगैरह वगैरह, इस दृष्टि से लेकर हम उसको करते हैं। लेकिन जो भी चेष्टाएं हम करते हैं, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, वो सभी व्यायाम कहलाते हैं। तो इसके जरिए दोष कोष्ठों में से निकलकर शाखा परमास्थ संधि में चले जाता है। ऊष्मणः तैक्ष्ण्यः, अगर ऊष्मा जो है शरीर का, जो जठराग्नि के रूप में मूल रूप में है या फिर धात्वग्नि और भूताग्नि इस प्रकार के हैं, दोष धातु मला दीनाम ऊष्मा इति आत्मेय शास्त्रम, दोष धातु मद वगैरह का जदिना जो ऊष्मा इस प्रकार का है वो अगर तीक्ष्ण बन जाता है तो उसके तीक्ष्णता के कारण भी दोष कोष्ठ से लेकर शाखा वगैरह में चले जाते हैं। अब इसका कारण क्या है ये एक देखना एक प्रकार का पड़ेगा। हितस्य अनवचारण, अगर हित जो बातें हैं वो हम नहीं करेंगे, अनवचारण उसका हो जाएगा। अब इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि स्वस्थ वृत्त के बारे में दो तरीके का निर्देश आता है। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते, वो उसका नित्य सेवन करना चाहिए जिसके कि स्वास्थ्य बना रहता है, स्वास्थ्य की अनुवृत्ति रहती है। अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करज्जय, और जो अजात विकार इस प्रकार के हैं जो निर्माण नहीं हुए हैं उनको जो निर्माण नहीं करने वाला इस प्रकार का हो, अनुत्पत्ति कर हो, तो जिन रोगों की संभावना हो सकती है उनको टालने के लिए जो भी करना है वो भी एक हित इस प्रकार का, स्वस्थ वृत्त इस प्रकार का है। स्पेसिफिक व्यायाम से स्पेसिफिक दोष शाखा में और वापस शाखा से कोष्ठ में ला सकेंगे क्या, सकेंगे क्या, पॉसिबल है। लेकिन ये थोड़ा फ्रेगमेंटेड अप्रोच या फोकस अप्रोच इस प्रकार का, पूरी फिजियोथेरेपी इसी के बेस पर है। फिजियोथेरेपी में विशिष्ट अंगों को विशिष्ट तरीके का व्यायाम दिया जाता है और फिर वहां का सर्कुलेशन सुधरता है और हमारे हिसाब में वहां से दोष निकल कर पोस्ट में चले आते हैं और फिर बाहर निकाले जा सकते हैं, ऐसा है। उष्मणस तक्षण्यात, ये जो बात बताई गई है जो धारा पद्धति केरल में प्रचलित है, इसने स्नेहन और स्वेदन ये दो चीजें इस प्रकार की है। तो अग्नि इस प्रकार का अगर बढ़ेगा, उसकी तीक्ष्णता इस प्रकार की बढ़ेगी तो दोष कोष्ठ से लेकर शाखा वगैरह में चले जा सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। ये रोगों के निर्मिति के लिए कारण है। वैसे ही स्नेहन स्वेदन करने के बाद दोष फिर से कोष्ठ में आएंगे, ये भी एक अजीब चीज इस प्रकार की है। उसके लिए स्नेह तैक्ष्ण्य नहीं बताया गया, आगे उसके बारे में जिक्र हो सकेगा।
By exercise, endorphins are secreted, which make us feel good, but by the regular work, we get exhausted. How to explain? इसमें मेरे ख्याल में मन का संबंध ज्यादा है और उद्दिष्ट क्या है ये संबंध ज्यादा है. जब हम ये काम हमें करना है या हमारी ड्यूटी है इस प्रकार के समझ के वो करते रहेंगे तो वो वर्क होगा, उससे एक्सर्शन होगा, ये व्यायाम नहीं कहलाएगा. लेकिन अगर हम उसको उस दृष्टि से करते हैं कि मैं व्यायाम कर रहा हूं और इसलिए ये कर रहा हूं तो फिर वो व्यायाम इस प्रकार का रहता है और उसमें एक प्रोटोटाइप होता है. जब हम क्रियाएं करते हैं तो कुछ भी क्रियाएं होती रहती है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यायाम करते हो क्या, नहीं करते है. मेरा क्या फ्लोर पे काम है तो बहुत घूमना पड़ता है तो उसी में व्यायाम हो जाता है, ऐसा उनका कहना रहता है. तो मैं कहता हूं कि श्रम होता है वो व्यायाम नहीं व्यायाम और श्रम में अंतर. व्यायाम में श्रम है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये डिजायर्ड श्रम इस प्रकार के है कि जिसका कुछ फायदा मिलने वाला है इसलिए हम उसको कर रहे हैं. जब हम एक कुछ कार्य करने के लिए श्रम करते हैं तो नो डाउट उसमें भी थोड़ा व्यायाम होता है, लेकिन वो श्रम ज्यादा होता है व्यायाम. तो इसको भली भांति थोड़ा सा समझना एक जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा. और कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे. अभी ये जो मेरा फंडा है गुंतवणूक आरोग्य कि आरोग्य में इन्वेस्टमेंट करो इस प्रकार के, उसमें इन्वेस्टमेंट किस किस प्रकार की हो सकती है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो समय की इन्वेस्टमेंट ये इसमें अहम चीज है. पहला मुद्दा जो है वो समय देना, अपने के लिए समय देना. तो सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, नियमित रूप से खाना खाना है, जो खाना खाना है अच्छा ही खाना है वगैरह वगैरह, और नियमित रूप से व्यायाम और योगाभ्यास करना, ये समय देने का एक है. तो एक समय की इन्वेस्टमेंट या गुंतवणूक इस प्रकार की होती है, निवेश होता है उसका. दूसरी जो चीज है वो पैसों की इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट होनी है. जैसे हम जो सरप्लस मनी है, पहला जो हमारा मकसद रहेगा वो जो हमारे मूलभूत इस प्रकार के गरजे है या बेसिक नीड्स है उनके लिए प्रयास करना, उनकी पूर्ति करना. और फिर जिसको हम क्रिएटेड नीड्स या निर्मित गरज इस प्रकार की कहते हैं उसके बारे में सोचना. तो वो करते समय हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और समय भी उसके लिए गंवाते हैं. तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर जो रेगुलर अनाज दूध वगैरह मिल रहा है वो सस्ता है और देसी गाय का दूध महंगा है, ऑर्गेनिक फूड या नेचुरल फूड महंगा है, तो हमारी पैसे बचाने की वृत्ति रहती है तो हम सोचते हैं कि ये सस्ता वाला ले लेंगे, महंगा क्यों ले लेंगे, इस प्रकार से ये काम का खर्च करना इस प्रकार का. तो मैं कहता हूँ ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है. अगर आप इस प्रकार का नैसर्गिक अन्न या कम से कम ऑर्गेनिक लेते हैं, देसी गाय का ही दूध लेते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट जैसा है. आपका स्वास्थ्य अगर बना रहे, आपको कोई भी बीमारी नहीं आए और आरोग्य संपन्न तरीके से आप 100 बरस तक जिएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट काम में आ गई ये इन्वेस्टमेंट का फल मिल गया. और ज्यादा कुछ फल चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. तो इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि इसको अगर हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो फिर ये खर्चा है वो क्यों करने का वगैरह वगैरह, ये बातें फिजूल हो जाए. जैसे अन्न वस्त्र निवारण ये मूलभूत गरज इस प्रकार की मानी जाती है कि
वो बेसिक नीड है इस प्रकार का माना जाता है। वैसे देखा जाए तो आरोग्य सबसे अहम आवश्यकता है, और आरोग्य के ऊपर बाकी सब चीजें इस प्रकार की रहेगी, निर्भर रहेगी। तो हमें इसके बारे में सोचना है कि हम चाहते क्या है। हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आरोग्य में निवेश करो, आरोग्य बढ़ाओ। फिर हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उनको हासिल कर सकते हैं। अगर आरोग्य ही नहीं रहा तो इनको कैसे हासिल करेंगे, ये सबसे आम चीज है। और ये अगर हासिल नहीं हो तो पूरा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। मानव जन्म दुर्लभ दुर्लभ है, और उसको हमने ऐसे ही जाने दिया, उसमें कुछ हासिल नहीं किया, तो हमारे जैसा मूर्ख दूसरा कोई नहीं। तो ये अगर बात हमें करनी है तो आरोग्य में निवेश होना चाहिए, आरोग्य में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो सबसे अहम मुद्दा होता है समय निकालना। तो मैं कहता हूं कि आप सोच समझ कर समय निकालें कि कहां मैं इसके लिए समय दे सकता हूं। अगर ऐसी चीज है कि मेरा ऑफिस 4-5 किलोमीटर अंतर पे है और मैं आसानी से चल सकता हूं, तो फिर अगर मैं ये मानकर कि मुझे ऑफिस में जाना है, जाना ही है, और साथ में मेरा व्यायाम भी हो जाएगा, मेरा संक्रमण भी हो जाएगा, तो मैं उस दृष्टि से अगर संक्रमण करूंगा तो वो व्यायाम होगा तो उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास व्हीकल नहीं है, इसलिए मैं जबरदस्ती चल रहा हूं, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो फिर उसका फायदा कुछ नहीं होगा। तो ये समझ पाना बहुत जरूरी है कि मैं किस उद्देश्य से ये कर रहा हूं। तो लोगों को मैं सुझाव देता हूं कि ठीक है, आप किस तरीके से दो चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं वो थोड़ा सोचो। निकाला सिगरेट, किस तरीके से हम दो चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बीएमएस में, तो हम साइकिल पे कॉलेज पे जाते थे और साइकिल पे जाना ये एक एक्सरसाइज होता था। मेरा कॉलेज करीबन 6-7 किलोमीटर था घर से, तो आते जाते वक्त एक्सरसाइज हो जाता था, नेचुरली हो जाता था। और दूसरी चीज इसमें ऐसी थी कि मैं कंठस्थीकरण जो मेरा है वो सभी मैंने उसमें जाते वक्त में दोहराता रहता। जाते समय आधा घंटा अगर मिलता है तो 15 मिनट में दो दो अध्याय का जो रिपीटेशन जो है उसको फिर याद करना, वो हो जाता। आते समय दो अध्याय का हो जाता। मैंने फर्स्ट ईयर में करीबन 20-22 अध्याय पाठ किए थे, अष्टांग हृदय के कंठस्थीकरण किया था अध्याय का, और फिर उसको मैं उसी तरीके से दोहराता रहता। तो आज भी मेरा पाठांतर काफी हद तक मुझे याद है, इतने बरस होने के बाद। ये मैंने बात की है 75-76 की बात है, अभी करीबन 35 बरस उसके हो गए, अभी भी मेरा कंठस्थीकरण जो है वो मुझे याद है। फिर बाद में यही तरीका मैंने अपना लिया अध्ययन के लिए। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमें सबसे अहम महत्व लगता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, क्योंकि इंटर साइंस, मैंने तो इंटर साइंस किया था, 12वीं कक्षा तक हम वही पढ़ते आए हैं, और मेडिकल में आए हैं तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो जाननी होगी। ऐसा एक मतलब तो प्रवाह इस प्रकार का होता है, और खास करके एनाटॉमी बहुत ही समय ले लेती है,
ये एक अहम चीज है और स्लिपरी सब्जेक्ट है, ध्यान में नहीं रहे, तो उसके लिए बहुत ही कोशिश करनी पड़ती है और उसका आगे कुछ भी नहीं है फायदा। सर्जरी को छोड़कर अगर सर्जरी आप लेते हैं आगे करते हैं तो कितने लोग सर्जरी करते हैं आगे? और जो ज्ञान मेडिकल प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो इतना कम है वास्तव में कि इसके लिए एनाटॉमी में इतनी बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर भी जब हम ये अरिथमेटिक वगैरह पढ़ते थे, अंकगणित या फिर भूमिति वगैरह के बारे में, तो मुझे आश्चर्य है कि किसको लगता है इतना गणित कौन इतने गहरे में जाकर सोचते हैं गणित के बारे में, उसका विचार विमर्श होता है। और जो व्यवहार में हमें चाहिए उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं। एक अजीब शिक्षा पद्धति है अभी की जो है। तो उसी तरीके से एनाटॉमी एक बोझ बन जाता है। और दूसरी अहम चीज उसमें ऐसी होती है कि जो आयुर्वेद के सब्जेक्ट है उनकी तरफ हमारा दुर्लक्ष हो जाता है। खास करके संस्कृत, ये बेस है। संस्कृत किसकी किस लिए रखा गया फर्स्ट ईयर में? कि ताकि आप मूल ग्रंथ संस्कृत से पढ़ सकें, इतना आपका संस्कृत का ज्ञान बढ़ जाए। अभी परिस्थिति ये है कि संस्कृत संहिता सिद्धांत के अध्यापक भी संस्कृत नहीं पढ़ते, बाकी लोगों की बात ही छोड़ो, तो वो भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहाँ रहा ये संस्कृत रखने का मतलब। और सीधा जिनका कुछ भी संस्कृत नहीं है उनको सीधा पाणिनीय व्याकरण पढ़ाना, ये तो और मूर्खता है। पाणिनीय व्याकरण अप्रतिम है, ये उत्तम बुद्धि कौशल्य का नमूना है। मैंने उसमें एमए किया है पाणिनीय व्याकरण में, मेरी किताब है व्याकरण। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता कि इन प्रकार के छात्रों के लिए ये अच्छा सिलेबस है। छोटे छोटे संस्कृत के लेकर, पैराग्राफ्स को लेकर, कथाओं को लेकर संस्कृत पढ़ाएंगे तो शायद बात बनेगी, या डायरेक्ट मेथड जैसे हम कर रहे हैं कि मूल सूत्र पढ़ो, सूत्र कैसे पढ़ना है ये सीखो, टीका पढ़ो और समझने की कोशिश करते रहो, कर्ता कर्म क्रियापद वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये अगर होता है तो आप मूल ग्रंथ पढ़ पाओगे, तभी मूल ग्रंथों से जो अर्थ निकलता है उसका आनंद ले पाओगे या उसका प्रयोग कर पाओगे। फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि ये कुछ बातें हो नहीं रही है और जो भी कोडक्टर सर ने प्रयास किए इसलिए हम पढ़ रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन ये प्रयास इतना कम है कि उसके बारे में बोलना ही मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। अब दूसरी बात ऐसी है कि पूरा समय अगर फर्स्ट ईयर के छात्र एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दे देते हैं, खास करके एनाटॉमी दे देते हैं, संस्कृत पदार्थ विज्ञान अष्टांग हृदय ये जो मूल आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसके बारे में पूरा दुर्लक्ष इस प्रकार का हो जाता है, कोई ध्यान ही उसकी तरफ जाता नहीं है और बेसी कच्चा इस प्रकार का रह जाता है। और फिर आगे की जो निदान चिकित्सा वगैरह जो पद्धतियां हैं आयुर्वेद के बारे में जो सोचना है वो कैसे सोच पाएंगे अगर ये मूल ढांचा जो है वही अच्छा नहीं है, तो आगे कैसे चल पाएंगे? तो हमारे सौभाग्य से काले नाम के कोडटकर सर के मित्र थे, वैसे वो एमए इंग्लिश थे, उनका आयुर्वेद को कोई संबंध, और हम ग्रेस के एनाटॉमी से ह्यूमरस पढ़ रहे थे उस समय में वो आए। तो उन्होंने पूछा कि ग्रे क्यों पढ़ रहे हो? क्या क्या पूछा जाता है परीक्षा में तो उसके लिए वर्णन करना तो पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ग्रे की खासियत क्या है पूछा, तो हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था कि ग्रे की खासियत क्या है। तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि ग्रे की खासियत इसी में है कि सूक्ष्म निरीक्षण ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन ये ग्रे की खासियत है, उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन। तो हम ह्यूमरस को हाथ में बैठे लिए बैठे थे, तो कैसे
क्या बोलते हैं वो वायरस के बारे में, इट्स अ लॉन्ग बोन हैविंग टू एंड्स अपर एंड एंड लोअर एंड, देयर आर फोर सर्फेसेस मीडियल लैटरल एंटीरियर पोस्टीरियर और देयर इज अ कॉन्डाइल देयर इज अ फोरामेन. सो इसमें क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है. अब आपको परिभाषा की निश्चिति होनी चाहिए, कोंडाइल किसको कहना है, फोरामेन किसको कहना है, एंटीरियर किसको कहना है, सुपीरियर किसको कहना है वगैरह वगैरह. ये एक परिभाषा निश्चित होनी चाहिए. और फिर जो चीज सामने दिख रही है वो भली भांति क्या है ये समझने की कोशिश करनी चाहिए. तो बोले कि इसके बेहतर जेमिसन के एटलास है, फिगर होने के कारण जो ज्यादा ध्यान में रहता है, और उसका कंपेनियन जो है कंपेनियन टू इलस्ट्रेटेड एनाटॉमी वो बहुत शॉर्ट शब्दों में है. जहां ग्रे बहुत सारा लिखता है वहां थोड़े शब्दों में जेमिसन लिखता है इस प्रकार से. सौभाग्य से मेरा ब्रिटिश काउंसिल का मेंबरशिप था और मुझे वो किताब मिल गई वहां से. तो हमने उसका आधार लेकर पढ़ने की कोशिश शुरू की तो काफी समझ में आया कि अरे ये कितना समय देने के लिए इसके लिए जरूरत नहीं है. फिर दूसरी बात है, हम एक्शंस पार्ट कर रहे, कंठस्थीकरण कर रहे थे, मसल एक्शंस. फिर इन्होंने पूछा कि मसल एक्शंस को रट क्यों गए हैं, मसल क्यों एक्शन कैसा है, कैसे एक्शन करता है. हमारे दिमाग में ये सवाल ही नहीं आता. तो हमने थोड़ा सा सोचना आरंभ किया कि मसल एक्शन कॉन्ट्रेक्शन से करता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज. तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, दो सिरे नजदीक आते हैं जिसको कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं, तो एक स्थिर रहेगा और दूसरा खींचा जाएगा. जिसको ओरिजिन कहते हैं वो जनरली स्थिर रहता है और इंसर्शन खींचा जाता है. कभी कभी इंसर्शन फिक्स रहता है, ओरिजिन को खींचा जाता है, और कभी दोनों बीच में खींचे जाते हैं. ये तीन एक्शन है, ये लॉजिकली इतना ही है. मसल एक्शन को अगर समझना है तो इतना ही है. तो बोले करके देखो, इमेजिन करो कि ये मसल इसका निवेश इस अस्थि में है वगैरह वगैरह. तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या एक्शन होगी. तो हमने देखा तो पता चला कि हाँ ठीक है, ये तो आसान है, लॉजिकली हम सोच सकते हैं इसके बारे में. तो कंठस्थीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ जो ओरिजिन और इंसर्शन है उसको ध्यान में रखो. तो फिर एक्शन हम ढूंढ सकते हैं इस प्रकार से. यस्मिन ज्ञाते सर्वविदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रमः कार्यः किमन्यत् शास्त्रवाचः. एक वैदिक सुभाषित साहित्य में सुभाषित कि जिसके जानने से सर्व का ज्ञान हो जाता है, सभी चीजों को हम जान सकते हैं, उसी के लिए प्रयास करो. बाकी जो है किसी भी शास्त्र सीखने का एक तरीका होता है. अब आयुर्वेद के ग्रंथों में ही वो शास्त्र सीखने का तरीका दिया गया है, अध्यापन अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषण अध्ययन विधि बताया गया है. तो खुद अध्ययन करना, दूसरों को पढ़ाना, तद्विद्य संभाषण करना, ये अध्ययन विधि है. तो इस सूत्र को आगे लेकर मैंने गुरुकुल की स्थापना की. एक तो मूल रूप से हमें अध्ययन करना है, मूल ग्रंथों को पढ़ना है, टीकाओं को पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस में उसको लाना है. और जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम समझ गए या नहीं समझ गए. जब हम नहीं समझते तो हम दूसरों को नहीं पढ़ा सकते, पता नहीं सकते. तो जब अध्यापन की बात आती है तो हमें अच्छे ढंग से वो समझ में आने लगता है. अरे ये कोई दूसरा इसके ऊपर इस प्रकार का सवाल उठाएगा तो उसका जवाब क्या रहेगा. तो ये अगर हम सोचेंगे तो हमारा अध्ययन अच्छा इस प्रकार का बन जाएगा. और फिर उसके जरिए हम दूसरों को भी अच्छा सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे. ये पढ़ने का मेरा एक मकसद ये भी है कि मैं खुद इससे सीखता जाऊं. जब मैंने ये कार्य आरंभ किया
इस प्रकार से हम मूल ग्रंथों को पढ़ाएंगे और दीक्षाओं के आधार पर पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस के अनुभव को उसके बारे में बोलेंगे इस प्रकार से। तो लोगों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है यह अलग चीज है, लेकिन मुझको फायदा जरूर हो रहा है क्योंकि मैं अध्ययन विधि कर रहा हूं, मैं खुद भी पढ़ रहा हूं, मैं दूसरों को सिखा भी रहा हूं और थोड़ा शेयरिंग हो रहा है। मैं भी अपने अनुभव बताता हूँ, लोग भी अपने अपने अनुभव बताते हैं, मेरे पास काफी लोगों के अनुभव है तो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो द्वितीय संभाषा इस प्रकार की भी हो जाती है। तो ये मेरे लिए भी अध्ययन विधि है, आप सभी के लिए भी अध्ययन विधि है और यही तरीका है शास्त्र सीखने का जो हम नहीं कर रहे हैं कॉलेज में जाकर, एमडी हो पीएचडी हो या बीएमएस कर रहे हो नहीं रहा इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से इस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए वो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो शास्त्र हम कैसे समझेंगे, ये सबसे अहम चीज। और इसलिए हमारा समय किसी दूसरे चीज में जा रहा है, खर्च हो रहा है, एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में खर्च हो रहा है। तो मैंने ये ठान लिया कि ठीक है, एनाटॉमी में इतना समय देने की जरूरत नहीं, केवल 15 दिन में एनाटॉमी कर सकते हैं और वैसे भी स्लिपरी सब्जेक्ट है, तो परीक्षा के अंतिम चरण में एनाटॉमी का अभ्यास करना है लास्ट 15 डेज, और परीक्षा को जाते समय रख के जाना है बस। हमारे यहाँ हर रोज एक पेपर रहता था, अभी एक बीच में गैप भी रहती है तो उसमें काफी आवृत्तियां कर सकते हैं। हमारे 11वीं कक्षा में जब थे तो दिन में दो दो पेपर होते थे, सुबह 11 से 2 और 3 से 6। तो 3 से 6 वाले पेपर का अध्ययन पहले दिन करना, 11 से 2 के बारे में जो अध्ययन है उसका सुबह करना और परीक्षा के लिए चले जाना, इस प्रकार का माहौल उस समय में रहता था। अभी तो काफी गैप बीच में रहती है। तो अगर हम इस तरीके से अभ्यास की पद्धति को बनाते हैं कि एनाटॉमी स्लिपरी सब्जेक्ट है वो बाद में करने का, उसके बारे में कैसी किताबें ढूंढनी है, क्या क्या करना है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनका अभ्यास करके अध्ययन कैसे कर पाए ये निश्चित कर लेना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की। फिर मुद्दा आता है आयुर्वेद का अध्ययन कैसे करेंगे। तो पाठ अवबोध और क्रिया ये दूसरा तरीका बताया गया है। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः, आदर रखना है तो टीकाकार स्पष्ट करता है, पाठ अवबोध क्रिया या पाठ अवबोध अनुष्ठान है इस प्रकार से। तो पहली चीज है कंठस्थीकरण, पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तत्। जो विद्या पुस्तक में है या अभी कंप्यूटर में है ये परहस्तगत धन इस प्रकार का। हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी सहायता लेके उसको आगे ले चल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टोरेज होना है पहला। और उस जमाने में तो कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था, कंप्यूटर 85 के बाद कंप्यूटर प्रचलन में आए, तो 75 में तो कुछ कंप्यूटर का कुछ भी नहीं था उस समय। तो कंठस्थीकरण एक अहम चीज उसमें है, तो कंठस्थीकरण इस प्रकार से करते रहेंगे तो हमारा बेस बन जाएगा। और वाग्भट का अगर कंठस्थीकरण, वो पद्य में है, वो इसलिए कंठस्थ करना याद करना ज्यादा आसान इस प्रकार। जो गद्य और पद्य इस प्रकार का होगा वो गद्य ध्यान में रखने के लिए काफी प्रयास होते हैं, लेकिन पद्य के लिए प्रयास नहीं होते, उतने गेयता उतने नहीं। तो वाग्भट उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण वाग्भट का करते रहना। और रही बात संस्कृत को समझने की, तो मेरे संयोग से सौभाग्य से मुझे एक गाइडेंस मिला कि संस्कृत भी इसके साथ पढ़ना आरंभ करो। तो मैंने तिलक महर्षि विद्यापीठ का संस्कृत विशारद के कोर्स ज्वाइन कर लिया बीएमएस करते का। और वो प्राचीन तरीके से था कि अन्वय लगाना,
को पढ़ना, जहां जरूरत पड़े वहां कोश की सहायता लेना वगैरह वगैरह, इस प्रकार से हमने संस्कृत का अध्ययन किया, तो सभी के लिए फायदेमंद इस प्रकार के है। अभी क्या होता है, संस्कृत सब्जेक्ट है, लोग क्या करते हैं, पाठांतर जो है, भाषांतर है, वो ध्यान में लगते हैं, परीक्षा में रट देते हैं, मार्क गिरते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, बस, बाकी कुछ आगे संस्कृत का कुछ करना ही नहीं है इस प्रकार से, तो ये गलत है। संस्कृत का भली भांति उपयोग करना है, वो माध्यम है, भाषा एक माध्यम होती है, और इस माध्यम के जरिए ऋषि मुनियों के जो विचार है वो हम तक पहुंच सकते हैं। अगर हम वो जो मेन सोर्स है उसी को टाल देंगे और केवल जिन्होंने भाषांतर किया है, जिन्होंने किताबें लिखी है, वही देखते रहेंगे, तो हित्वा कांचनम राशिम पांसु राशिम उपासते, ये दशरथ ने जो बताया है कि कांचन की राशि छोड़कर हम एक धूलि की राशि को लेकर चल रहे हैं, तो हमें इसके बारे में जिक्र करना है कि हम मूल ग्रंथों को इस प्रकार से पढ़े, तो संस्कृत का अध्ययन इसके साथ में अगर चलता रहे, बढ़ता रहे, कि अन्वय कैसे लगाना है, क्रियापद कैसे ढूंढना है, बाकी कर्ता कर्म उनके विशेषण वगैरह वगैरह किस प्रकार से ढूंढने हैं, और फिर अन्वय लगाकर अर्थ कैसे लगाना है, और जहां शब्दों का अर्थ मालूम नहीं है वो कोशों में से ढूंढना है, चाहे गिर्वाणव कोश हो, मुदर विलियंस हो, या वैदिक शब्द सिंधु वगैरह इस प्रकार के शब्द कोश हो, या आयुर्वेदिक शब्द कोश इस प्रकार का हो, तो उसमें से अब वो अर्थ ढूंढना है, और ऐसा अगर हम करेंगे तो आयुर्वेद का बेस अच्छा बनता जाए, और इसके साथ में अगर किसी प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं प्रैक्टिस देखते हैं, उसका प्रात्यक्षिक अनुभव लेते हैं इन सूत्रों का, तो बढ़िया बात बनती है। तो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अंत में पढ़ूंगा, पूरा समय जो है कंठस्थीकरण में दे दूंगा, अब साथ में संस्कृत का अध्ययन चल ही रहा है, तो संस्कृत को समझने के लिए ये हमारे लिए फायदेमंद इस प्रकार का होगा, और ये तरीका बिल्कुल सही उतरा। मेरे बहुत सारे छात्र इस तरीके से आगे बढ़े हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन मूल रूप से ज्ञान होना ये बहुत कम लोगों में, एमए तक पहुंच गए इस प्रकार से, लेकिन मूल ग्रंथों को पढ़ना, टीकाओं को पढ़ना, ये कुछ ही लोग कर पाए हैं, सभी नहीं कर पाए, तो ये बात नहीं होनी है कि मूल रूप से हमें पढ़ना है, और इसी प्रकार से अगर हम उसको आगे लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम आयुर्वेद कैसे सीखना है, ये भली भांति सीखेंगे, अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्य संभाषा च इति अध्ययन विधि, या पाठ अवबोध अनुष्ठान ही ये अध्ययन विधि है, उसका आदर करने का तरीका है, तो उसी को लेकर चलेंगे ना आगे, इसीलिए ये सिलसिला चल रहा है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ता रहूंगा, क्योंकि मुझसे उसमें कैसे फायदा है, आपको फायदा लगता है तो आप करते रहेंगे, आपको फायदा नहीं लगता है तो आप छोड़ जाएंगे, लेकिन मुझे तो फायदा है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो इसलिए मैं करता रहूंगा। तो अगर हम शुरू से ही इस प्रकार का मार्गदर्शन फर्स्ट ईयर के बैच में अगर मिलेगा और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, तो काफी अच्छी बात इस प्रकार की होगी, और फिर हम भली मानती इसको समझ पाएंगे। तो हितस्य अनवचारणात्, हित का अनवचारण होने से, का होने के कारण हित जो है वो न करने के जरिए भी दोष कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं, रोग के हिसाब से जाते हैं। द्रुतत्वान मारुतस्य च, और वायु की गति अगर बढ़ जाती है, ये खासकर मानस विकारों में दिखता है, चिंता शोक क्रोध वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो भाव है, इसके जरिए गति वायु की बहुत बढ़ जाती है, और फिर दोष इस तरीके से
कोष्ठ से लेकर शाखाओं में वगैरह चले जाते हैं, और फिर ये आक्रामक स्थिति हो जाती है, या फिर हम रोगी इस प्रकार के बन जाते हैं। वैसे व्यायाम भी रिगरस करेंगे तो भी व्यायाम से भी जाएगा और द्रुत गति मारुति होगी, उससे भी दोष कोष्ठ से शाखाओं में वगैरह चले जाए। तो दोषों का इस प्रकार से कोष्ठ में कोष्ठ से शाखा बना से संधि में जाना आवश्यक भी है, वो प्राकृतिक भी है, लेकिन वो वैकृतिक भी है, वैकारिक भी है। अगर इस प्रकार से दोष जाकर रोग निर्माण करते हैं तो क्या हो सकता है, तत्रस्थाश्च विलंबन्ते कदाचित् न समीरिता, ये अगर काफी नहीं है तो वहीं पे रुक जाएंगे, और उनको जब तक उतनी प्रेरणा नहीं मिलती या देश या काल अनुकूल इस प्रकार के नहीं रहेंगे तो भूय हेतु प्रतीक्षणा, वो कारणों की राह देखते रहेंगे क्या और कुछ कारण घटे और फिर मैं रोग निर्मित करूंगा इस प्रकार। तो हमारे यहाँ जो व्यभिचारी हेतु इस प्रकार का बताया गया है, दुर्बलत्व व्याधिकरण असमर्थ इस प्रकार, ये आगे सूत्र आएगा माधुर्य धर्म गोष्ठिका में विधान में इस प्रकार से, चत्वारो विचारी दूर अधिकट प्राधानिक, ये जब सारांश रूप से जो विभिन्न प्रकार का क्लासिफिकेशन है वो एक श्लोक में निबद्ध इस प्रकार का किया गया है। तो उसमें एक चीज व्यभिचारी है इस प्रकार का बताया गया है कि जो दुर्बल होने के कारण व्याधि निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार का नहीं होता, तो ये भी एक अहम चीज है। अब जब लोग बोलते हैं कि मैं इतने दिन से ये सब कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इतने देर से दिन से सिगरेट पी रहा हूँ, मद्यपान कर रहा हूँ, ये उल्टा सीधा खाना खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये मतलब नहीं है कि ये हित है या अहित नहीं है, ये निस्संशय अहित ही है। अभी इसका परिणाम दिख नहीं रहा क्योंकि वो भय हेतु प्रतीक्षा, एक चरम अवस्था उसकी जब प्राप्त हो जाएगी तो वो विकार निर्माण करेगा, और वो काफी गंभीर विकार निर्माण करेगा क्योंकि हेती सोवन इतना जबरदस्त है इस प्रकार का है, इतना स्ट्रेंथ वाला है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो न अदेश काले कुप्यन्ति, अदेश और अकाल इसमें प्रकोप नहीं होता है, भूय अति प्रतीक्षणा, वो बार बार हेतु की अपेक्षा करते रहते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, और फिर जब मौका मिल जाता है तो प्रकोपित हो जाते हैं और विकारों को निर्माण, और हम समझते हैं अरे अचानक विकार हो गया, अचानक कैसे हो जाएंगे, रुद्रोग जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी क्या अचानक होगी क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत काल से ये सब चल रहा है, एक चरम अवस्था जब तक पहुंची नहीं तब तक कुछ एक्सप्रेस नहीं हुआ, जब भी चरम अवस्था प्राप्त हो गई, एक अंतिम हेतु मिल गया उसको, तो विस्फोट हो गए, तो सिर्फ वो अंतिम हेतु कारण है ही नहीं, पहले से लेकर जो भी कारण हो रहे हैं वो सभी उसमें कारण इस प्रकार के हैं। तब तक तो व्यभिचारी हेतु थे, अब ये हेतु बन गए इस प्रकार से, तब तक कुछ हुआ नहीं था, डिसीज नहीं हुआ था, तब तक उसको व्यभिचारी कहते, अब जबकि इन्होंने रोग का निर्माण किया है और उसमें निश्चित रूप से इनका संबंध है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि नहीं ये हेतु ही है इस प्रकार से। ठीक है, आज भी यहीं पे रुकते हैं, कल भी मैं कोशिश करूंगा, कल यहाँ से निकलना है तो यहाँ के भी बहुत सारे कामकाज है, तो जितना हो सकेगा उतना ले लेंगे और सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतो यन्न निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वांछन पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वंतरिंतम प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं।
विरम मेते व्याख्यान का फरक श्वाहा पुनरपि मिलिष्यामः।